यार मुर्गियाँ क्या वह मुर्गियों को भगाना पड़ता है यार सुबह सुबह मुझे। पूरा दिन बेचारे ये भूखे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड बैक वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो यार अभी अभी तकरीबन दोपहर का टाइम होने वाला है और अभी अभी मैंने कबूतरों को मतलब थोड़ी देर पहले बाहर निकाला यार। और ये मुर्गियाँ पूरा दिन कबूतर बेचारे भूखे रहते हैं इन मुर्गियों की वजह से, क्योंकि जब मैं इनको डालता हूँ ये इतनी बड़े बड़े मुर्गियाँ बेचारे कबूतरों को जब मारती हैं ना तो कबूतर बेचारे भाग जाते हैं और खा ही नहीं पाते हैं कुछ। और कल वाला दिन भी मैंने काफ़ी सारी खुराक डाली है लेकिन मुर्गियों को डाली है लेकिन जब कबूतरों को डाली है ये खा गई हैं। और कल पूरा दिन तकरीबन मेरे ख्याल से कबूतर ने, पर रात को मुझे याद ही नहीं रहा, मतलब थोड़ा बहुत ही खाया कबूतरों ने। तो आज फिर मैंने इनको भगा दिया और अभी भी मुझे डंडे की ज़रूरत पड़ रही है। ओए होए यार कितना मुश्किल है मुर्गियों को कंट्रोल करना, इधर से कंट्रोल करो उधर से। ये हमारे कबूतरों ने तकरीबन खा ही लिया है और ये फिर मुर्गी आ गई, अब भी चलो खा ले। खैर है अभी अभी कबूतरों ने मुका भी लिया है, इसमें ले आते हैं क्योंकि एक मिनट जिसमें मैंने ये डाली है रोटी इसको पहले उठा के इधर रख दें, इधर ही रख दें जिधर से मैंने उठाई है। और अभी कबूतरों के लिए ताज़ा पानी एक मैं बाजार के लाता हूँ और कबूतरों को अभी डालते हैं ना। ये ताज़ा पानी भर लिया, ये थोड़ा मुर्गियों को भी डाल लेंगे और ये मुर्गियों के लिए जगह भी बनानी है यार जिधर उनको पानी डालें, क्योंकि गंदा पानी पूरा दिन वो पीते रहते हैं। कल मैंने कबूतरों के लिए तो थोड़ी जगह बनाई थी, ये अभी ये वो खा रहे हैं, ये इन्होंने उल्टा कर दिया है। कल मैंने इसका पानी इधर इसमें रखा था ना, ये इन्होंने उल्टा कर दिया है। इसको सीधा करते हैं और एक इसमें डाल के इसको कर देते हैं थोड़ा सा सफ़ा और अब इसका इधर रख देते हैं। फिर जब दोपहर का टाइम होगा फिर नया पानी कर देंगे। ये जी ये इधर रखना चाहिए मेरे ख्याल से, इधर रख देते हैं। हमारी मुर्गियाँ हैं यार वो पी लेती हैं इधर उधर से, तो फिर ये कबूतरों को भी डाल देते हैं, भर देते हैं अंदर जो मट्टी वट्टी है वो निकल जाएगी। और हमने अपनी बकरियों को खुराक वुराक डाल दी है, ये बकरी की खुराक, और ये हमारा छतरा बैठा हुआ है नहीं खा रहा। और इसको पता नहीं क्या हो जाता है। और ये गाय हमारी ये भी अपना माल खा रही हैं। चोर ओ क्या अबे फजूल, मैं कौन सा बम फोड़ रहा हूँ यार, जब मैं करीब जाता हूँ मैं इनके तो ये मुझसे लड़ पड़ती हैं। और ये हमारा बछड़ा आज उदास उदास खड़ा है, क्यों यार? ओए रुक ना। वालेकुम अस्सलाम, किधर हबीबी? और ये हमारा बछड़ा उदास उदास खड़ा है, क्यों उदास है? ओए इसको आज थोड़ा सा छोड़ देते हैं मेरे ख्याल से, ताकि इसकी रेस्ट वेस्ट हो जाए, इसको आज छोड़ देते हैं ना। और इधर थोड़ा पड़ा है ना सब्ज़ा पड़ा है, यही खा लेगा। ओए इधर आ बे, इसको पीछे से मारना थोड़ा सा। ओए अबे इधर खा ले तुझे, अबे ओए तेरे लिए ही है यार, इसको मैं एक मिनट सेट कर लूँ। यार अभी गाय का दूध निकालना है इस वजह से इसको मैं नहीं अभी छोड़ सकता, थोड़ी देर बाद इसको छोड़ेंगे। पीछे से मारना, ओए अबे गाय के नीचे जा रहा है, गाय का दूध सारा ये पी जाएगा फिर हम क्या पियेंगे। पीछे से मारना यार, मार 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 मार।
ये डर रहे हैं। आ जा भाई, ये फुल जहाज़ है, जहाज़ इसको छोड़ना भी नहीं था यार। इस जहाज़ को छोड़ के परेशान हूँ मैं। किधर? हमारे घर। क्यों हमारे घर? मतलब कोई काम है? नहीं। अच्छा, मैंने सोचा कोई काम है। तो यार बैक वेलकम। और अभी तकरीबन हो रहा है असर का टाइम है और मैं अभी तक चाय नहीं पिया। हम चाय पीते हैं हर रोज़ जहर के टाइम, लेकिन आज चाय नहीं पी तो मेरा दिल है कि अभी मैं खुद ही चाय बना लूँ, क्योंकि आज अम्मी नहीं पी। और ये देखो कबूतरों ने क्या हाल कर रखा है। अरे भाई, पानी नहीं पीना था इन्होंने, फिर भी इन्होंने इसको उल्टा कर दिया और अंदर अभी देखो बैठे हैं। तो अभी यार इनको तो खिलावे ला लिया था, अभी हमने चाय पीनी है तो चाय बनाते हैं यार। चाय बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगी एक ये, जिसमें चाय बनानी है। हमारे पास चाय पकाने का सारा सामान आ चुका है, दूध और ये दूध और ये पत्ती, चाय, लकड़ियाँ, माचिस। और हम लोग ने चाय को रेडी कर लिया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, अंदाजे मुताबिक मैंने डाली है पत्ती और उसके बाद चीनी और जो भी मैंने डालना था, अंदाज़ा बस लगा के डाली है। अब पता नहीं कैसी बनेगी, टेस्ट करते हैं। ये बकरी हमारी बहुत एक्साइटेड हो रही है खाने के लिए। अबे खाना आ रहा है, इसका खाना ख़त्म हुआ पड़ा है, इनका भी ख़त्म हुआ पड़ा है, तो इन दोनों को अभी खाना डालते हैं। हमारी बकरी का खाना है। ओए होए 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 होए, मज़े से खा। स्पेशल ये हमारी भेड़ों का खाना है। सफाई इसको कर लिया, अब इसको भेड़ों को डालते हैं। अबे ओए, ये बहुत ही ज़्यादा जोश में होती हैं, गिरा ही ना दें कहीं मुझे। ये इसको इधर फेंक देते हैं और हमारी गाय को हमने डाल दिया है। ये हमारी अबे क्या मैंने जुर्म किया इनका भाई साहब। इस तरह मैं जब करीब जाता हूँ इनके, ठुक के मुझके ऊपर ऐसे आती हैं यार, नहीं समझ आ रही मुझे। शक्ल तो मेरी सही है यार, फिर भी पता नहीं। तो यार ये मैं मुर्गियों के लिए, सॉरी कबूतरों के लिए खुराक लाया हूँ। और अभी इस मुर्गे ने ना, इस मुर्गी है, सॉरी मुर्गा नहीं है, इसको काफ़ी दिनों से मैं मुर्गा बुला रहा हूँ लेकिन ये है मुर्गी, इसने मेरे कबूतर को मारा है ऐसे झटक से और उसके थोड़े से पर भी निकाल लिए। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे एक स्टिक चाहिए और ये इससे भगाना है किनको, मुर्गियों को। और अब डालना है किनको, कबूतरों को थोड़ी सी खुराक इधर डालनी है और इधर मुर्गियों को डाल देना है। इधर मुर्गियों को थोड़ा सा डाल देते हैं ना, ताकि मैं क्या चाहता हूँ यार, अलग से मुर्गियाँ खाएं, अलग से कबूतर खाएं, लेकिन ये जब मैं कबूतरों को डालता हूँ तो ये आ जाते हैं। यार मुझे क्या करना पड़ेगा यार, क्यों ना यार ये अलग से क्यों नहीं खा सकते, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। अपना खाओ, किसी को ना खाओ कुछ, लेकिन इन्होंने अपना खाना नहीं होता, अपना खा ही नहीं सकते। ओपे कबूतर भी उधर था, यार कसम से क्या करूं मैं इन मुर्गियों का यार, ये हमारी मुर्गियां बहुत ही जलील करती हैं यार। इनको कोई, मैं कबूतरों से इतना दूर डालूंगा इनको ताकि ये उधर तक आ भी नहीं सके। हाँ अब जो कबूतरों का बनता है ना, वो कबूतरों को डाल देते हैं, जितना भी कबूतरों का बनता है अभी। ये जी, और अभी यार ये देखो अब ये सारा मैंने कबूतरों को डाल दिया और अब कोई मुर्गी आई तो अब मेरे हाथ सफा है। और अब मैं ये इस सड़क, यार कसम से इन मुर्गियों को कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अपना खा के फिर भी कबूतरों को मारना होता है। वो बेचारे थोड़े नए भी हैं और इनसे डरते भी हैं, क्योंकि मुर्गियाँ तो वो छोटे जानवर हैं, परिंदे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो इसीलिए। चलो अब भी बहुत है, इतना भी खा लिया ना।
ये देखो कबूतर नीचे से थोड़ा बहुत निकाल देते हैं, लेकिन ये मुर्गियाँ नहीं निकाल पाती। तो यार मैंने अभी कबूतरों के लिए, ये मेरे हाथ पर देखो ये आटा चिपक गया है, तो अभी मैंने कबूतरों शुरू खिला लिया, तो कबूतर मैं बंद कर दूंगा थोड़ी देर बाद। तो आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।